हमारी सनातन पद्धति के अनुसार है ना, मैं आपको दीपक के बारे में बताता हूँ। दीपक प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह को सायंकालीन को दीपक करना चाहिए। दीपक से क्या होता है, दीपक से देव देवी पितृदेव सभी प्रसन्न होते हैं। दीपक से जो ग्रह अनिष्ट ग्रह होते हैं उसकी भी शांति होती है। तो दीपक का करते हैं सभी लोग, लेकिन दीपक करने का भी अलग अलग विधान बताया गया है। हमारे बच्चों को भी ये संस्कार मिलना चाहिए भी घर में सुबह शाम दीपक करना चाहिए, घर में पाठ करें उस समय दीपक करें। दीपक क्या है, दीपक हमारे और देवताओं के बीच में हमारे कर्म के साक्षी देवता है। कर्म साक्षी देव दीपो दीप ज्योतिर नमोस्तुते, तो कर्म के साक्षी दीपक देवता होते हैं। हम लोग जो पूजा करते हैं तो दीपक देवता की जो अग्नि होती है वही अग्नि हमारी पूजा पाठ को भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए दीपक का बड़ा महत्व है। दीपक जला करके भगवान के सम्मुख बैठना चाहिए। दीपक करने से ही वो पूजा मान्य होती है। मंदिर में भी दीप जलाने से देवता प्रसन्न होती हैं। भगवान सूर्य की ज्योति, चंद्रदेव की ज्योति, दिन में जो दीपक करते हैं वो सूर्य भगवान की ज्योति का प्रकाशमान होता है, और रात्रि में दीपक करते हैं तो चंद्रमा की ज्योति का प्रकाश होता है। रात्रि का दीपक हमारी पूजा पाठ व दीपक देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह अग्नि दीपक की। और जो दिन में हम लोग पूजा पाठ करते हैं वह दीपक की ज्योति देवताओं तक हमारे मंत्रों के, हमारे जप को, हमारी पूजा पाठ को देवता तक पहुँचाते हैं। जैसे दीपावली को हम लोग दीपक करते हैं तो पूरी रात, रात्रि को जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय से सुबह गोवर्धन भगवान की पूजा तक दीपक चलना चाहिए, ऐसा विधान है। तेल का और घी का दोनों का, घी के दीपक से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या पितृ और देव दोनों की प्रसन्नता के लिए मानी गई है। तो घी के दीपक से देवता प्रसन्न होते हैं और तेल के दीपक से पितृलोक प्रसन्न होते हैं। और घर में जितनी आवश्यकता प्रसन्नता देवताओं की है उतनी ही आवश्यकता प्रसन्न होने की पितरों की भी है, क्योंकि घर में पितृदोष भी अशुभ होता है, इसलिए दीपक बड़े ध्यान से करना चाहिए। घर में आप दीपक करते हो तो बाईं ओर घी का दीपक रखना चाहिए और दाहिनी ओर तेल का दीपक रखना चाहिए, ऐसा विधान है। देहली दीपक भी माना गया है। घर में दीपक करते हैं ना तो रात्रि में सायंकाल के समय देहली के तरफ भी दीपक करना चाहिए। चतुर्मुख दीपक भी रात्रि में करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दक्षिण दिशा की तरफ को हम लोग हमारे शास्त्रों के अनुसार खाली दिशा मानते हैं, तो उसमें क्षेत्रपाल भगवान के नाम से दीपक करना चाहिए। दीपक करने से घर में किसी भी प्रकार से कोई अनिष्टता नहीं होती है। चतुर्मुख दीपक दक्षिण दिशा में करने से उस घर में वास्तु दोष, पितृ दोष, देवी देवताओं का दोष, सब दोष दूर हट जाता है। और सायंकाल के समय घर के देहली पर दीपक जरूर करें। भूमि पर अगर किसी कोई वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो उसको घर में रात्रि में तेल का दीपक करना चाहिए। किसी को शनि ग्रह से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको तिल के तेल का दीपक करना चाहिए। मंगल ग्रह से अगर कोई पीड़ित है तो उसको है ना चमेली के तेल से दीपक करना चाहिए। और अगर कोई राहु केतु ग्रह से पीड़ित है तो उसको सरसों के तेल का दीपक करना चाहिए। दीपक जलाने से ग्रहों की शांति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक करते हो रात्रि में तो इसका एक श्री सूक्त में भी श्लोक आता है, आदित्य वर्णे तपसोदी जातो वनस्पति स्तव वृक्षोत बिल्व है तस्य फलानि तपसानुदंत अंतराया सब आया लक्ष्मी। यानी आप सोमवार के दिन रात्रि में सूर्यास्त के बाद में आप बिल्व वृक्ष के नीचे घी का दीपक करो तो वास्तव में आपके घर में अगर किसी प्रकार से अलक्ष्मी है तो वह निश्चित उस अलक्ष्मी दूर हटेगी और शुभ लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान होगी। तो जैसे आप हनुमान जी के मंदिर में रात्रि को अगर चमेली का दीपक करते हो तो उससे हनुमान जी ही बड़े प्रसन्न होते हैं।
और उस व्यक्ति को मन इच्छित करिए कि सिद्धि प्राप्त होती है। और मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल के करने से मंगल ग्रह की शांति होती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। रात्रि में क्या होता है, रात्रि को हम क्या बोलते हैं, निशा। तो रात्रि में जो कई ऐसे होते हैं जैसे जिन हम निशाचर बोलते हैं, तो निशाचर ये रात्रि में कोई जैसे अनिष्ट करने वाले कोई जो होते हैं जीव, वो दीपक करने से उस घर में कोई पीड़ा नहीं देते हैं, वास्तु शांति प्राप्त होती है। पीतल का दीपक भगवान विष्णु के आगे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बृहस्पति ग्रह की शांति मिलती है। तुलसी माता के आगे दीपक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी के आगे घी का दीपक करने से जो बुधवार को सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के समय दीपक करने से जो इसमें अपने गणेश जी की पूजा की पद्धति में बताया गया है कि भगवान गणेश जी को दीपक करने से उस घर में रिद्धि सिद्धि और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। ये वास्तव में दीपक के बारे में बहुत बड़ा वर्णन है, इसलिए दीपक का भी विधान हमारे शास्त्रों में है, दीपक भी विधि विधान से करना चाहिए।